हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू करते हैं रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, पटना मेट्रो के कार्यों को और आगे में तेजी से बढ़ाने के लिए पटना मेट्रो की तरफ से यू गार्डर लॉन्चिंग के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। फ्रेंड तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए, ताकि जो भी मैं इस तरह से रिलेटेड अपडेट लेकर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये कोई क्रेन मामूली क्रेन नहीं है, ये 400 टन का क्रेन है और इसी से यू गार्डर का लॉन्चिंग किया जाएगा फ्रेंड ट्रायल के लिए भूतनाथ स्टेशन पर। इसका ट्रायल का काम जो शुरू कर दिया गया है फ्रेंड, ये पटना मेट्रो का जो सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट जो कि भूतनाथ में यू गार्डर की लॉन्चिंग किया जाएगा उसके लिए क्रेन आ चुकी है। 400 टन का दो क्रेन है और दोनों क्रेन को टीपीआई हो चुका है। टीपीआई होने के बाद क्रेन का जो है ट्रायल शुरू कर दिया गया। आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं जो कि पटना मेट्रो की तरफ से सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट है कि जल्द से जल्द यू गार्डर का लॉन्चिंग किया जाएगा, जो कि 5 स्टेशन का काम जो निर्माण कंपनी PC01 फेज 1 जो चल रहा है NCC लिमिटेड की तरफ से, जो कि यू गार्डर की कार्य को स्टार्ट करने के लिए क्रेनों को आप देख सकते हैं लाइन से खड़ी की गई है। सबका टीपीआई हो चुका है और सबका ट्रायल किया जाएगा ताकि यू गार्डर लॉन्चिंग करने में कोई दिक्कत की कोई समस्या की सामना नहीं करना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये पटना मेट्रो की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो कि आप क्रेन जो लगी हुई है कोई साधारण सी क्रेन नहीं है, बहुत बड़ी शक्तिशाली महाशक्तिशाली क्रेन बोल सकते हैं फ्रेंड। और इसी क्रेन से जो कि लगभग एक जो होता है फ्रेंड्स यू गार्डर 200 टन का होता है, तो उस 200 टन को ऊपर पियर कैप को इरेक्शन करने के लिए ट्रायल की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो कि ट्रायल करने के बाद जो है ये काउंटर वेट है, ये काउंटर वेट से इसको ट्रायल किया जा रहा है। जिस प्रकार की फांसी देने से पहले फांसी घर को ट्रायल किया है, उसी प्रकार ट्रायल यू गार्डर लॉन्चिंग करने से पहले इसको ट्रायल किया जा रहा है ताकि किसी तरह की मशीन में कोई त्रुटि हो तो समय रहते इसको समाधान किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं इस तरह से रिलेटेड अपडेट लेकर आऊँ सबसे पहले पटना मेट्रो का पल पल का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए रवि क्रिएटिव जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं अपडेट लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फिर मिलेंगे एक नए जगह पर एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार। तो फ्रेंड्स, ये पटना मेट्रो का भूतनाथ एरिया का अपडेट था।